हेलो, आपको ही जाना है ना? आइए बात कर लीजिए लीजिए। ठीक है, ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी उन्हीं के पास गया है। हेलो, हाँ दीजिए। तो कौन सा बैंक? आईडीबीआई बैंक। अच्छा, बस फाटक के पास है। ठीक है ठीक है। अच्छा, जलांश के जलांश लिखा। अच्छा ठीक है, जलांश लिखा है ना। ठीक है ठीक है, ओटीपी बताइए। हाँ मिला ही, या पूछिए ओटीपी पूछिए। मिला के आ गया जी। हेलो, कितना? 60-85। ठीक है ठीक। यू टर्न ले लें तो बैठिए। आ जाइए। चलें। अभी हम रथ यात्रा हैं, अभी एक राइड आया है तो मैंने एक्सेप्ट किया है। तो हैं अभी लक्सा लक्ष्मी कुंड, तो चलते हैं उन्हें पिकअप करते हैं और पिकअप करके ड्रॉप करेंगे। तो दिखाते हैं आपको कि रथ यात्रा से लक्सा की ओर जो गोदौड़िया रोड जाता है वो तो कैसा है। और गोदौड़िया रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है, तो जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, मैडम इंतज़ार कर रही हैं, तो देखते हैं मैम जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो राइड कैंसिल कर देते हैं सर। तो कैंसिल होने के बाद एक नुकसान होता है कि हम लोगों का पिकअप लोकेशन पर जाने का जो पेट्रोल लगता है वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि पिकअप लोकेशन पहुँच जाए, भले ही ड्रॉप करने में देर हो जाए। तो भाई साहब, ये रथ यात्रा की गोदौड़िया वाला रोड है, इस पर बहुत हैवी ट्रैफिक लगता है, बहुत समय लग जाता है पार करने में। अभी हम गुरुद्वारे के पास पहुंचने वाले हैं, यहाँ अभी और ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी हम गुरुद्वारा पार कर रहे हैं, यहाँ से भी मैडम की दूरी है 550 मीटर, तो थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, मैडम को पिकअप करेंगे। देखो भैया, ये है लक्सा, जिसको नहीं पता है वो जान ले। अरे इतना जाम लगता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, ट्रैफिक देख रहे हो ना भाई लोग, है बनारस बनारस में तो टाइम निकाल के ही आना, क्योंकि यहाँ तो आधा दिन लग जाता है ट्रैफिक से ही निकलने में हम लोगों को। इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ आए तो टाइम निकाल के आए। ये देखिए है लक्सा थाना। अभी यहाँ से गोदौड़िया मार्केट 1.5 किलोमीटर है, तो अभी हमारा पिकअप लोकेशन तो इधर ही है। लेफ्ट टर्न कहाँ है लेफ्ट टर्न भाई साहब? यहाँ है लेफ्ट टर्न, लेफ्ट खोलिए। मैडम कहाँ है देखते हैं। अरे बनारस की एक खासियत है कि यहाँ आपको चौड़ा रोड मिलेगा ही, यहाँ पतली पतली गलियाँ हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने का शहर बसाया हुआ है। ये तो बहुत चौड़ा है, लेकिन और जगह जाएंगे तो बाइक भी नहीं निकल सकती अकेले।
तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, करते हैं मैडम को कॉल। IDIB बैंक किधर है? सुनिए, भाई IDIB बैंक किधर है? कितना आगे है? हाँ, कौन साइड है? इसी साइड है? इस साइड है? देखते रहिएगा थोड़ा, तो हम बाइक चला रहे हैं इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे है। पूछिए जालांश के किधर है, जालांश के पास हम लोग हैं। ले रहे हैं बाइक साइड लगाने। हेलो हेलो हेलो, किधर है आप, उसको लेके किधर गए हैं? अरे यहाँ जालांश लिखा है, जालांश ज्ञान बाफी वाली दुकान, किधर है IDIB बैंक मिल नहीं रहा है। वहीं पे खड़े रहिए तो ज्ञान बाफी के पास से। ठीक है, यहीं जालांश ज्ञान बाफी वाली दुकान है, यहीं पे है। अच्छा ठीक ठीक, कहीं दिखा ही नहीं IDIB बैंक। IDBI कहाँ आगे है? खरीद के लाओ, क्या क्या चाहिए तुमको? पैर उधर पर बैठिए, उधर पैर करो। किधर IDIB बैंक है? अच्छा ठीक है, मत बचा रहे हो आप देखने। कौन सा अपार्टमेंट? पंचशील। आपको रास्ता याद है कि नहीं? याद। अच्छा चलिए बताइएगा। फिलहाल अभी ये है भैया बनारस, बनारस मतलब ट्रैफिक, ट्रैफिकों का शहर बनारस। बहुत मुश्किल होता है यहाँ बाइक चलाने में, जो नए लोग होंगे यहाँ सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे बाइक चलाने में, तो बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है गाइस। लेकिन हम तो यहाँ 5-6 महीना से बाइक चला रहे हैं, हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिंच हाँच के निकाल देते हैं। हाँ हाँ पैसा हो गया ठीक। तो भाई साहब छोड़ दिए मैडम को, अब चल रहे हैं दूसरे ऑर्डर पर।